Good morning to all students. Today we are discussing about the detection of drug interaction information. मतलब हमने कल पढ़ा था ड्रग इंट्रेक्शन क्या होता है, ठीक है, वो कैसे कॉज होता है, पर अब उसकी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ कहाँ से मिलेगी कि किस कौन सी ड्रग खाने से, कौन सी दो ड्रग के कॉम्बिनेशन को खाने से क्या क्या इंट्रेक्शन हो सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ सोर्सेस होते हैं, ठीक है। उस सोर्सेस से हमको पता पड़ेगा कि ड्रग इंट्रेक्शन कौन सा हुआ और कैसे हुआ। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। पहला है इन विट्रो एंड एनिमल डाटास, केस रिपोर्ट्स, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स, मोनोग्राफ्स, रिव्यूज़, बुक सोर्सेस, ड्रग टेबल्स, ड्रग चार्ट, ड्रग डाटा शीट्स, ड्रग इंट्रेक्शन वेबसाइट्स, लिटरेचर। अब इन सब सोर्सेस को हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हम इन विट्रो एंड एनिमल डाटास। पहला है इन विट्रो एंड एनिमल डाटा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन विट्रो स्टडी एंड एनिमल एक्सपेरिमेंट इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द मैकेनिज्म फॉर एन इंट्रेक्शन। मतलब यदि हम कोई सी भी एनिमल की स्टडी करते हैं, इन विट्रो स्टडी करते हैं, तो एनिमल एक्सपेरिमेंट हमको उसके ड्रग इंट्रेक्शन में आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है कि वो जो मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, जो इंट्रेक्शन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, किस मैकेनिज्म से हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। रिसेंटली वर्क ऑन द साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वैल्यू ऑफ इन विट्रो एक्सपेरिमेंट। साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम सिस्टम एक एग्जाम्पल है इन विट्रो एक्सपेरिमेंट का। एनिमल एंड इन विट्रो इंफॉर्मेशन कैन नॉट रिलायबल प्रेडिक्ट दैट आर इंट्रेक्शन विल अकर इन ह्यूमन्स एज ह्यूमन्स फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक प्रोसेस एंड फिजियोलॉजी आर नॉट रिप्रेजेंटेड। मतलब हमने एनिमल डाटा पे यदि हम कुछ कर रहे हैं, किसी एनिमल की इन विट्रो स्टडी कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, वो केवल एनिमल के ही ड्रग इंट्रेक्शन को बताएगा, वो ह्यूमन्स के ड्रग इंट्रेक्शन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। नेक्स्ट है केस रिपोर्ट। इंट्रेक्शन आर ऑफन फर्स्ट आइडेंटिफाई एज केस रिपोर्ट और लेटर पब्लिश्ड इन मेडिकल जर्नल और रिपोर्टेड टू अ फार्मेसी विजिलेंस प्रोग्राम या फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम। ठीक है, जब भी ड्रग इंट्रेक्शन होता है कहीं पर भी, तो एक फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम, फार्माको विजिलेंस सिस्टम होता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि फार्माको विजिलेंस क्या होता है। तो उसमें टाइप होता है एक केस रिपोर्ट। उसमें क्या होता है, हमको कोई भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हो गया, ड्रग इंट्रेक्शन हो गया, उसको हमको रिपोर्ट करना होता है। तो क्या होता है, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम में हमने कोई भी ड्रग इंट्रेक्शन रिपोर्ट किया, फिर वो पब्लिश हुआ मेडिकल, किसी भी मेडिकल जर्नल में। ठीक है, मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो गया, उसके बाद हम वहाँ से पता लगा लेंगे कि कौन सा नया एडवर्स इफेक्ट आया है, कौन सा नया ड्रग इंट्रेक्शन आया है किसी भी दो ड्रग के कॉम्बिनेशन का। सिंगल ड्रग के का भी एक ड्रग इंट्रेक्शन होता है। केस रिपोर्ट्स आर अ यूजफुल सोर्स ऑफ आइडेंटिफाई इंट्रेक्शन बिटवीन इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन कॉम्बिनेशन और फॉर रेयरली अकरिंग इंट्रेक्शन। ठीक है, केस रिपोर्ट जो है, जो फार्माकोविजिलेंस का टाइप है, बहुत ही यूजफुल सोर्स है किसी भी इंट्रेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। चाहे हम कितना भी कैसा भी इंट्रेक्शन हो, कैसी भी मेडिसिन का इंट्रेक्शन हो, वो अच्छे से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 10 केस रिपोर्टेड फॉर अ वेरी इनफ्रिक्वेंटली यूज कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन वुड सजेस्टेड दिस इज लाइकली टू बी अ फ्रिक्वेंट एंड नोटेबल लिटरेचर व्हेन दीज मेडिसिन्स आर टेकन टुगेदर। यदि किसी भी दो ड्रग के कॉम्बिनेशन का या फिर एक ड्रग के कॉम्बिनेशन का ड्रग इंट्रेक्शन 10 times रिपोर्टेड है, सेम ड्रग का 10 times रिपोर्टेड है, तो माना जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट में सेम इंट्रेक्शन दिखा रहा है, तो वहाँ पर उस पर वापस क्लिनिकल ट्रायल लगाया जाएगा। ठीक है,
अब कुछ गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस या गाइड फॉर इवेल्युएटिंग केस रिपोर्ट। ठीक है, तो इस गाइडलाइन में हम खुद से ही क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हम बात करें टाइमिंग, तो हम पूछेंगे खुद से, कैन द रिएक्शन बी रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वन मेडिसिन, कि जो रिएक्शन आया है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है, ये ड्रग इंट्रैक्शन आया है इस ड्रग का, तो क्या ये जब हमने दवाई दी थी, सिंगल दवाई दी थी, किस पर्टिकुलर टाइम पे उस वक्त आया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डी चैलेंज। इसमें पूछेंगे डिड द रिएक्शन कॉज व्हेन द सस्पेक्ट मेडिसिन वाज स्टॉप्ड। ठीक है, मतलब कि हमने जब दवाई को स्टॉप कर दिया था, जिस दवाई पे हमको शक था उस दवाई को हमने स्टॉप कर दिया था, तब क्या ये रिएक्शन आया था या इंट्रेक्शन आया था। री चैलेंज, डिड द रिएक्शन रीअकर व्हेन द सस्पेक्टेड मेडिसिन वॉज रीइंट्रोड्यूस, तो क्या ये जो रिएक्शन आया है या इंट्रेक्शन आया है, ये सस्पेक्टेड मेडिसिन जो है उसको फिर से खाने पर आया था। अदर मेडिसिन, कैन द रिएक्शन और इंट्रेक्शन बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर मेडिसिन द पेशेंट वॉज टेकिंग, तो क्या ये जो रिएक्शन आ रहा है, ये जो पेशेंट कोई मेडिसिन अदर मेडिसिन भी साथ में ले रहा है, ड्रग इंट्रेक्शन की ए और बी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। पहले हमने ए मेडिसिन की बात करी, डी चैलेंज, री चैलेंज और टाइमिंग में, अब अदर मेडिसिन में हम ए प्लस बी दोनों की बात कर रहे हैं। तो कैन द रिएक्शन और इंट्रेक्शन बी एक्सप्लेन्ड बाय मेडिसिन अदर मेडिसिन द पेशेंट वॉज टेकिंग, क्या पेशेंट जो दूसरी दवाई भी साथ में खा रहा है, ए के साथ बी खा रहा है, उसकी वजह से इसे एडवर्स रिएक्शन या फिर ड्रग इंट्रेक्शन हो रहा है। अदर एक्सप्लेनेशन, आर दीज अदर फैक्टर्स दैट कुड एक्सप्लेन द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइंग डिसीज, इमरजेंस ऑफ अ न्यू डिसीज, डाइट्री और लाइफ स्टाइल चेंजेस, डस्ट चेंज। ठीक है, ये जो ड्रग इंट्रेक्शन आया है या ड्रग इंट्रेक्शन आया है या फिर हम कहें रिएक्शन आया है, क्या ये उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से आया है या उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आया है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। मिसिंग इन्फॉर्मेशन, वॉट इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन गिवन बाय द ऑथर बट वुड स्ट्रेंथन और वीकन द एविडेंस। मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उस दवाई की उसके उसके पास में, पेशेंट के पास में, जिसकी वजह से रिएक्शन उसको हुई है। ठीक है, थर्ड है क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। क्लिनिकल ट्रायल प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल एविडेंस टू सपोर्ट आर सपोर्ट एंड इंट्रेक्शन। ठीक है, क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बता सकते हैं कि कैसे इंट्रेक्शन हो रहा है। टू इवेल्युएट क्लिनिकल ट्रायल क्वालिटी गाइडलाइंस बाय कॉन्सर्ट ग्रुप हैज़ पब्लिश। एक कॉन्सर्ट ग्रुप होता है जो क्लिनिकल ट्रायल की क्वालिटी गाइडलाइन देता है और उसे इवेल्युएट करता है। स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर कॉमनली यूज टू स्टडी ड्रग इंट्रेक्शन। ड्रग इंट्रेक्शन की स्टडी के लिए हम स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यूज करते हैं। मोस्ट ट्रायल्स इंक्लूड्स ओनली हेल्थी यंग मेल्स एंड दस डू नॉट माइमिक द मोर एट रिस्क पेशेंट पॉपुलेशन हु आर लाइकली टू बी एल्डरली, इंक्लूड्स वुमेन्स एंड हैव एक्टिव डिसीज प्रोसेस। ये जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल होता है, हम इसमें ओनली हेल्थी यंग मेल्स को लेते हैं, एल्डर पेशेंट्स को हम नहीं लेते हैं, वुमेन्स को नहीं लेते हैं, जिनके पास जिनको बहुत ही एक्टिव डिसीज हो रही है उन्हें हम नहीं लेते। अब हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे होता है किसी भी मेडिसिन का। तो पहले उसका प्री क्लिनिकल होता है, प्री क्लिनिकल के बाद में क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वो 4 फेज में होते हैं, प्री क्लिनिकल सिंगल फेज में होता है। प्री क्लिनिकल में हम एनिमल की स्टडी करते हैं, फेज 1 में हम ह्यूमंस की, फेज 4 तक लेके हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो प्री क्लिनिकल में हम क्या कर रहे हैं, एनिमल की स्टडी कर रहे हैं। एनिमल से जब वो पास हो जाती है स्टडी, तो हम ड्रग अप्रूव हो जाती है टेस्टिंग इन ह्यूमंस के लिए, तो फेज 1 में जाती है। फेज 1 में 20 से 80 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जब ड्रग यहाँ से पास हो जाती है तो फेज 2 में जाती है, जहाँ पे 100 to 300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जब ड्रग यहाँ से पास हो जाती है तो फेज 3 में जाती है, फेज 3 में 1000 से 3000 तक के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसके बाद ड्रग को अपने
जो रिपोर्ट होती है वो एफडीए को सबमिट करनी होती है, उसको वहाँ से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद एफडीए रिव्यू करता है टू कंफर्म सेफ्टी एंड इफिकेसी। ठीक है, मतलब उतने ही पेशेंट पे, 1000 से 3000 के जो पेशेंट्स हैं उसी पे ही वो स्टडी करता है किसकी सेफ्टी एंड इफिकेसी की या इफेक्टिवनेस की। उसके बाद जब वो ड्रग यहाँ से पास हो जाती है तो वो अप्रूव्ड हो जाती है, ड्रग अप्रूव्ड हो जाती है, फेज 4 में चली जाती है, और 1000 से लेके प्लस 1000 प्लस मतलब मार्केट में दवा आ जाती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। ठीक है, अब फोर्थ की बात करते हैं हम, रिव्यू मोनोग्राफ एंड हैंडबुक्स। सम यूजफुल बुक्स दैट सर्टेन कंप्लीटेशन ऑफ ड्रग इंट्रेक्शन आर लिस्टेड एज की रेफरेंस, मतलब जो कुछ बुक्स हैं वो उसका जो ड्रग इंट्रेक्शन है उसमें लिखा हुआ होता है। कुछ बुक्स हैं, कुछ हैंडबुक्स हैं, कुछ मोनोग्राफ्स हैं, कुछ रिव्यूज आर्टिकल है, तो उसमें क्या होता है यदि कोई ड्रग इंट्रेक्शन मेंशन है तो वो एक रिफरेंस के साथ में मेंशन होता है कि भैया ये ड्रग का जो इंट्रेक्शन आया था ये था और ये इन्होंने बताया था, तो ये रिफरेंस के साथ में उसमें लिखा होता है। द रिलायबली एंड कंपिटनेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिटेशन शुड बी वेरीफाइड। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चेक फॉर रिसेंटली पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन इन द मेडिसिन एंड इनफ्रिक्वेंट इंट्रेक्शन और रेयरली यूज मेडिसिन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या बताया इसमें, जो रिसेंटली पब्लिश इंफॉर्मेशन है उसे हमें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम 20-25 साल पुराने हैंडबुक्स देख रहे हैं या मोनोग्राफ्स देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, क्योंकि अब तो वो हर टाइम में अपडेट होता रहता है, तो हमको हमेशा रिसेंटली और अपडेट वाली बुक्स और मोनोग्राफ्स रिव्यूज़ को देखना चाहिए मेडिसिन के लिए, उसके ड्रग इंट्रेक्शन को पता लगाने के लिए। इंट्रेक्शन वेबसाइट्स, दीज आर अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स विथ सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इंट्रेक्शन, समटाइम्स कवर स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ ड्रग और कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, हर्बल मेडिसिन और मेडिसिन यूज टू ट्रीट HIV एड्स। ठीक है, कुछ ड्रग्स के इंट्रेक्शन को पता लगाने के लिए कुछ वेबसाइट्स भी बन गई है कि सीधे आप कंप्यूटर पे गूगल पे डालो, वेबसाइट उसकी खुल जाएगी, उसके अंदर आपको सारी ड्रग्स के इंट्रेक्शन की एक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से हमको पता पड़ जाएगा जैसे हम बात कर रहे हैं। ये भी पता पड़ेगा कि हर्बल मेडिसिन जो आती हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं वो HIV के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती है, तो मतलब वहाँ पर यूज़ भी दिया है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दिया है, उसके एडवर्स इफेक्ट भी दिए हैं, उसके काइनेटिक और डायनेमिक की हमने भी वहाँ पर बात कर ली है। सम एक्सीलेंट रेफरेंस लाइक स्टॉकलिस ड्रग इंट्रेक्शन आर अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे क्या किया है, वेबसाइट्स के ऊपर कुछ रेफरेंसेस दे दिए हैं। ठीक है, स्टॉकलिस ड्रग इंट्रेक्शन एक प्रकार का रेफरेंस है जहाँ पे हमको सारे इंट्रेक्शंस के बारे में पता पड़ जाता है। फॉर अदर वेबसाइट वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिलायबली नीड्स टू बी कंसिडर्ड विथ पर्टिकुलर केयर। ठीक है, सम साइट्स लाइक डे फ्लो हार्ट साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम साइट्स आर अकरेंट एंड करंट। अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड साइट है वो है डेव फ्लोकहार्ट साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम साइट्स। यहाँ पे हमको क्या होता है, एक प्रकार की साइट का नाम है, यहाँ पे हमको जितनी भी करंट ड्रग इंट्रेक्शन है वो अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दिस साइट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सस्पेक्टेड मेटाबॉलिक इंट्रेक्शंस। ठीक है, जितने भी सस्पेक्टेड मेटाबॉलिक इंट्रेक्शन है उसकी स्क्रीनिंग वहाँ पर दी हुई है, बट इट डज नॉट प्रेडिक्ट क्लिनिकल रिवेलेंस। ठीक है, यहाँ पे जो क्लिनिकल रेवलेंस है होते हैं मेटाबॉलिक इंट्रेक्शंस के वो अच्छी तरीके से नहीं बताए गए हैं। नॉट प्रिडिक्ट एंड एक्सक्लूड्स मैनी मेटाबोलाइज्ड मेडिसिन फॉर विच द आइसो एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व हैज नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक मेडिसिन है उन्हें बाहर कर दिया गया है जो एंजाइम आइसो एंजाइम सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सिक्स है टेबल चार्ट एंड डाटा शीट्स, क्विक रेफरेंस सोर्सेस अवेलेबल टू स्क्रीन फॉर नो ड्रग इंट्रेक्शन कम इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म ऑफ विच द ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी। ठीक है,
ये ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी जो है BNF एक प्रकार का चार्ट टेबल है, डाटा शीट जैसा ही है, ठीक है। टेबल एक प्रकार की, टेबल इज अ वन ऑफ द बेटर नॉन, ठीक है, एक प्रकार की टेबल है ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी। वॉल और पॉकेट साइज चार्ट, कुछ चार्ट्स आते हैं मार्केट में जो वॉल पे आप चिपका सकते हैं या फिर पॉकेट साइज रहते हैं, आप उसको पॉकेट में रख सकते हैं, जिसमें सारे ड्रग इंट्रेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू असेस वॉट एवर द इंट्रेक्शन इज लाइकली टू बी सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस टू अ पेशेंट, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, जो पॉकेट साइज जो भी हमारे शीट्स या डाटा शीट चार्ट्स हैं या वॉल वाली जो है, उसमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को हर चीज़ पता होना चाहिए, स्पेसिफिक दिए होनी चाहिए हर चीज़, सारे इंट्रेक्शन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। अप्रूव्ड प्रोडक्ट डाटा शीट फॉर कंट्रीज सच एज द USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। अप्रूव्ड प्रोडक्ट डाटा शीट है वो कहाँ से आई है, कहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी, USA में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में एंड न्यूजीलैंड में, ठीक है। बुक्स रेफरेंसेस, बेस्ड ऑन बुक्स रेफरेंसेस, ठीक है। ड्रग इंट्रेक्शन आर लिस्टेड इन डिफरेंट वेज इन ईच कंपेडियन, सम कंपेडियन लिस्टेड DDIs एट द इंडिविजुअल ड्रग लेवल्स, ठीक है। एग्जाम्पल हम बात करें ट्राइजोलम, किटोकोनाजोल, ट्राइजोलम, इंट्राकोनाजोल, एप्राजोलम, किटोकोनाजोल, ठीक है। तो मतलब इनका जो ड्रग इंट्रेक्शन है, जैसे ट्राइजोलम और किटाकोनाजोल का ड्रग इंट्रेक्शन, ट्राइजोलम और इट्राकोनाजोल का, एप्राजोलम और किटोकोनाजोल का जो इंट्रेक्शन है, वो इंडिविजुअली एक लेवल पे लिस्टेड है बुक्स में। जो बुक्स रेफरेंसेस होते हैं, मतलब इन ड्रग्स के जो भी ड्रग इंट्रेक्शन है, वो एक बुक्स में लिस्टेड है विथ रेफरेंस, ठीक है। ऐसे ही वेयर अदर लिस्टेड देम एट मेडिसिन क्लास लेवल, ठीक है। एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन्स, एजोल एंटी फंगल एजेंट्स, ठीक है। पहले हमने देखा कि इन बुक्स में पहले तो ड्रग टू ड्रग लिखा हुआ है, मतलब एक ड्रग प्लस बी ड्रग और उसका इंट्रेक्शन। दूसरे में हमने बात करी दूसरे तरीके से, कैसे लिखा हुआ है, ड्रग लिखी है और उसके बाद किस क्लास से वो इंट्रेक्ट कर रही है वो लिखा हुआ है। तो ये सब हमारा बुक में लिस्टेड होता है विथ रेफरेंसेस। नेक्स्ट है लास्ट, कंप्यूटर स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग इंट्रेक्शन। ड्रग इंट्रेक्शन डाटा आर यूज टू आइडेंटिफाई ड्रग्स इंट्रेक्शन फॉर एजुकेशन पर्पज, कंपाइल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग इंट्रेक्शन टू इंड्यूस फार्मासिस्ट प्रोडक्टिविटी, आइडेंटिफाई फ्रिक्वेंटली ड्रग इंट्रेक्शन फॉर फार्मासिस्ट एजुकेशन एंड प्रिपेयर डाटा फॉर फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी रिपोर्ट्स और न्यूज़लेटर्स। द करंट कंप्यूटर टूल्स फॉर डिटेक्टिंग ड्रग इंट्रेक्शन स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीनिंग जो होती है ड्रग इंट्रेक्शन की, ड्रग इंट्रेक्शन जो होता है वो हम कंप्यूटर में भी उसको फीड कर सकते हैं, ये काम होता है फार्मासिस्ट का, ठीक है। शॉर्ट में हम बात कर ले, फार्मासिस्ट क्या करता है, एक प्रकार का पूरा शीट बनाता है, एक्सेल शीट में ड्रग इंट्रेक्शन को लिखता है। हॉस्पिटल फार्मेसी का जो फार्मासिस्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद वो सबसे पहले क्या करता है, वहाँ से ड्रग इंट्रेक्शन कलेक्ट करता है, उसके बाद में डाटा को प्रिपेयर करता है, उसके बाद थेरापेटिक कमिटी जो होती है उसे रिपोर्ट करता है, उसके बाद उसे न्यूज़लेटर और उस न्यूज़लेटर बनाता है, न्यूज़लेटर बनाने के बाद उसको कंप्यूटर में वो डाटा फीड कर देता है, जिससे वो ऑनलाइन पब्लिश कर देता है, जिससे सब लोग उसको देख सकते हैं। बट करंट कंप्यूटर टूल्स जो होते हैं ड्रग इंट्रेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, उसको अभी भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ ड्रग इंट्रेक्शन इंफॉर्मेशन। थैंक यू।